तो ये गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में यार पढ़ने वाले हैं विजुअल बेसिक 6.0 जो कि आपके यार पूरे सिलेबस में है। तो आज हम उसी को पूरा डिस्कस करेंगे पूरे इस वीडियो में। बेसिकली यार जो आपका नोट्स है वो तैयार हो रहा है अभी, मैं उसको लिख रहा हूँ अपने हाथों से, खुद उसको बना रहा हूँ। एंड फिर जो यार आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो में बस इतना डिस्कस करेंगे कि कैसे कहाँ टूल बार है, कहाँ मेनू बार है, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ एक प्रोग्राम हमको बनाकर थोड़ा सा दिखाएंगे कितना वो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यार कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आके समझ में आएगा कि क्या है, कैसे इसका वर्क है, क्या वर्क करता है, कैसे इसमें एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और अपने हम ओपन कर लेते हैं विजुअल बेसिक 6.0। देखो यहाँ पे आ गया 6.0 यार, मैं वो बार बार बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके आपको दिखेगा। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड exe जो है इसको आपको क्लिक करना है, अभी स्टार्टिंग में है आपको, तो इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब ओपन करेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है आ गया। ठीक है, बातें क्या है, देखो ऊपर जो पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपका टाइटल बार दिया गया है, और नीचे उसके नीचे जस्ट जो ये है वो हमारा मेनू बार दिया गया है, और इसके जो नीचे है ये टूल बार दिया गया ये पूरा, और जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। ठीक है, अब जो हमारा ये है, एक मिनट, इसका जो ये चीज़ है ये वाला, इसको हम फॉर्म बोलते हैं, और जो ये नीचे है ये वाला इसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यस यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट विंडोज है जिसमें आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें मिलेंगी, क्या है, कौन सा फॉर्म है, किस फॉर्म से ऐड है, तो ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म दिया गया है और यहाँ पे और नेम से करना चाहिए फ्री है टाइपिंग राइट, तो मैं इसको अगर ओके एंटर करके देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का जो नाम है, ये प्रोजेक्ट जो ये चीज़ है ये वाला, ये प्रोजेक्ट का है और ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है। ठीक है, जब हम इसमें और प्रोजेक्ट ये था हमारा यहाँ पे नाम। ठीक है, अब अगर हमें इस फॉर्म वन जो लिखा है इसको अगर हमें चेंज करना है तो अपने आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म वन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म वन क्लिक करने के बाद आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो जब अपने यहाँ पे अगर फॉर्म वन जहाँ लिखा है अगर मैं वहाँ पे अपना कुछ लिख दूँ, अपने मन से कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्म, मैं फॉर्म ही लिख देता हूँ, फॉर्म WSH। ठीक है, फॉर मनीष करके हम इंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब ये क्यों चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, फॉर मन क्यों यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे जब आप कैप्शन में जाएंगे अभी सिर्फ आपका ये चेंज हुआ। ठीक है, प्रोजेक्ट में जो फॉर्म है इसमें ये चेंज हुआ। ठीक है, अभी जो ये वाला फॉर्म वन है इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आएंगे फॉर्म वन पे कैप्शन वाले पे आएंगे। अब यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया कि अनीश फॉर्म ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आपने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप किसी की फॉर्म को अगर बनाना हो, मैं आज एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें लेट सपोज हमें टू एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, मतलब कि एडिशन टू एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। ठीक, एप्लीकेशन बनाना है डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे देखो अब हम इसमें यूज़ क्या क्या करने वाले हैं। देखो अगर हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना होता है तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं क्या, एक बॉक्स तीन बॉक्स लेते हैं। ठीक है, तीन बॉक्स लेंगे जिसमें एक में एक वैल्यू, मतलब कि दो वैल्यू उसमें चाहिए होता है। ठीक है, दो वैल्यू जो हम एडिशन कर रहे हैं तो उसमें हमें दो वैल्यूज़ का नीड पड़ने वाला है। तो एक वैल्यू के लिए एक बॉक्स, सेकेंड वैल्यू के लिए सेकेंड बॉक्स, एक रिजल्ट के लिए थर्ड बॉक्स। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे
एक अभी हम तीन ही बटन के बारे में बात करने वाले, जो कि एक लेबल का बटन होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स का होगा और एक कमांड बटन होगा, ठीक है। तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, ठीक है। जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है, अब टेक्स्ट बॉक्स में जब हम किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, यहाँ पर आपके फॉर्म पे टेक्स्ट बटन आ चुका है, ठीक है। हमें फिर अभी तो यहाँ मैंने सिर्फ एक वैल्यू लेंगे यूजर से, ठीक है। अभी तो मैंने यूजर से सिर्फ एक वैल्यू लिया। अब हम डबल क्लिक फिर नंबर करेंगे, फिर एक बॉक्स आ गया। अब हमारा अब इतना हो चुका है कि हम यूजर से दो वैल्यू को इंटर करा सकते हैं। बट यार अभी तो जो रिजल्ट होगा उसको तो लाना पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट को भी तो शो करना पड़ेगा। तो हम फिर से एक बार क्लिक करेंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो अभी तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किस में हम एडिशन कर रहे हैं, किस में हम वैल्यू को ले रहे हैं यूजर से, किस में हमें आउटपुट मिल रहा है, किस में हम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लेबल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेबल जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आपको जो टेक्स्ट लिखने के लिए फ्रीडम करता है, ठीक है। अभी हम टेक्स्ट यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ लेबल आ गया। अब यहाँ पर हम इसको इस टाइप सेट करेंगे कि आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको इसी फॉर्म में आप कहीं भी इसको घुमा सकते हो, ठीक है। बट मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे यूजर, मैंने यहाँ पे एक लेवल को अटैच कर लिया। अब सेकंड को फिर एक बार डबल क्लिक करते हैं और सेकंड हमारा आ गया यहाँ पे। अब मैंने इसको भी जो भी है सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह पे रख लिया। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट वन लिखा है, टेक्स्ट टू लिखा है, टेक्स्ट थ्री लिखा है, लेवल वन, लेवल टू, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमें इसका जो नेम है वो चेंज करना है। अब नेम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम अगर हमें लेवल वन का नेम चेंज करना है तो हम जस्ट यहाँ पे लेवल वन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट आप प्रॉपर्टी विंडोज़ पे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी विंडोज़ पे आने के बाद यहाँ पे लेवल वन का प्रॉपर्टीज खुल चुका है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सारे कलर्स हैं। अगर यहाँ पे आपको जो नेम है आपको चेंज करना है तो आपको कैप्शन को ढूंढना है, ठीक। यहाँ पे कैप्शन यहाँ पे है, अब कैप्शन पे एक बार क्लिक करना है आपको। अब क्लिक करने के बाद लेबल वन जो लिखा है उसको मिटा, जब आप डिलीट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि इंटर फर्स्ट FIR ST फर्स्ट NUM BER, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर लिखा और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर हमें लेवल टू का जो है कि बदलना है नेम, ठीक है, अब लेवल टू पे क्लिक करेंगे। अब लेवल टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो और फिर सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्रैग और ट्राई एंड टेक्सचर करके आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे लेवल टू पे जैसे आप क्लिक करोगे एक बार और यहाँ पे इसका लेवल टू का नाम भी आप चेंज करके, मैं टाइपिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक मिनट, चलो ठीक है, अच्छा डोंट वरी। यहाँ पे हम इंटर करा देंगे सेकंड NUMBER इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर कर दिया, ठीक है। अब यदि हमको यहाँ देखो ये जो सेकंड लाइन में आ गया, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा जो इसकी साइज है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमें मान लो कि ये जो टेक्स्ट वन है, टेक्स्ट टू है, यहाँ पे हमें ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वन पे क्लिक करने के बाद जो प्रॉपर्टी विंडोज़ है, आप अच्छा कुछ भी अगर आपको यहाँ से चेंज करना है नेम, तो आपको यहाँ बस आ जाना है प्रॉपर्टीज विंडोज़ में, उस पर क्लिक करके फिर प्रॉपर्टी विंडोज़ उसका ओपन हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे आएंगे तो आप आराम से बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम ढूंढेंगे कैप्शन को, कैप्शन कहाँ है, और यहाँ पे एक मिनट आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे उसमें तो आप कैप्शन ढूंढ रहे थे, बस इसमें आपको टेक्स्ट ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें आपको अगर कुछ बदल भरना है, अक्सर नेम चेंज करना है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट में जाकर इसका आप नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अब फिर सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स था उसको मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगे यार।
अब जो यहाँ पे थर्ड वाला है उसमें मैंने उसको भी मैंने खाली छोड़ दिया। एक मिनट कहाँ गया टेक्स्ट वाला, हाँ ये रहा, ठीक है क्लिक किया और इसको मैंने इनपुट ही छोड़ दिया। ठीक है अब देखो, अब यहाँ पे हमारा कुछ है जो कि फॉर्म की तरह दिख रहा है, बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म की तरह आप इसको देख रहे हो। अगर हमें इसको रन कराना है तो कैसे रन कराएंगे, तो यहाँ पे आपको रन विंडोज़ दिख रहा है और रन जब आप मेनू बार में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रन दिख रहा होगा। आप इसको रन करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ एप्लीकेशन जो है इस टाइप से दिखने लगेगा। बट अभी तक यार मैंने सिर्फ डिज़ाइनिंग किया, डिज़ाइनिंग के लिए हमें कोई भी किसी भी प्रकार कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है अब मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको, और मैं अब कट करता हूं और यहां पे अब हम इस बटन का यूज़ करेंगे जो कि है कमांड का। क्योंकि देखो कमांड बटन का यूज़ तब होता है जब हमें रिजल्ट लेना हो। ठीक है अब मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है इसको थोड़ा सा यहां पे सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूं, कमांड को बीच में करता हूं। ठीक है अब हमें कमांड क्या करवाना है इस पूरे में, अब कमांड पर क्लिक करते हैं और कमांड वन जो लिखा है इसको कैप्शन में हम इसको चेंज करके यहाँ पे हम सम कराना चाहते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बस मैंने यहाँ पे चलो हाँ ठीक है सम ही कर देता हूँ। ठीक है अब ये सम जो है जब आप इस बटन को क्लिक जैसे ही करोगे तब हमारा जो भी यहाँ पे आपने वैल्यू डाला होगा दो ठो आपका इसका जो एडिशन करके वो रिजल्ट आपको प्राप्त कर देगा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है तो जैसे अब यहाँ पे कुछ कोडिंग तो हुआ नहीं, अब देखो मैं अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कोडिंग का जो भी प्रोग्रामिंग का आपको जहाँ प्रोग्रामिंग करना है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है वो जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी तरीके से आपको कोडिंग करना है। ठीक है अब कोडिंग कैसे करना है अभी बात करते हैं। अभी अगर आपको कोडिंग करना समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे आप इसमें कोडिंग कर सकते हो, कैसे क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ भी हो एरे कुछ भी हो अभी बताता हूँ। ठीक है अभी आगे वाले और जो वीडियोस होंगे उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है तो अभी इसको कट करते हैं। ठीक है तो अभी मैं झट से आपको एक कोडिंग करके दिखा देता हूँ आपको कैसे इसको कोडिंग करते हैं। ठीक है अभी आपको समझ ना आए तो कोई बात नहीं, मैं इसको सम कर देता हूँ यहाँ पे, अब मैं कोडिंग करके आपको चुटकियों में मिलता हूँ। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोडिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे आप कुछ मत पूछना है कैसे क्या है कुछ भी है आप कुछ मत पूछना, बस मैं बताता हूँ सब ये अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है तो ये सब भी मत पूछो, बस यहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ बात एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे डीम जो है यन और यम सम ये जो तीनों है वो हमारे इंटीजर एज अ इंटीजर रहेंगे। इसमें जो कोडिंग है वो डिफरेंस होता है, ठीक है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने एंड जो है उसमें मैंने वैल लिख दिया है, वैल क्या होता है वेरिएबल जो वैल्यू होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए होता है, मतलब कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम का वैल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट जो यहाँ पे टेक्स्ट वन है वो हमारा जो टेक्स्ट था मैं दिखाता हूँ हम लोगों को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है .txt मतलब कि हमें टेक्स्ट चाहिए होता है। ठीक है यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे जो मैंने आउटपुट दिया है उसको मैंने भी टेक्स्ट में किया है। ठीक है अब जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग किया है कि जो सम है हमारा जो सम जब हम सम को क्लिक करें तो यहाँ पे हमें सम में वो वैल्यू मिल जाए। ठीक है अब जो मैंने वहाँ पे बॉक्स लिया था उस टेक्स्ट के नाम से तो आप टेक्स्ट के नाम से था। ठीक है अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम जिसको ऐसे हम जल्दी इसको रन कर लेते हैं। मैं थोड़ा अपना फॉर्म विंडोज ओपन कर लेता हूँ देखो यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर मैं जैसे इसको रन करता हूँ स्टार्ट पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये हमारा जो फॉर्म है वो आपको ऐसा कुछ फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है एक मिनट कहाँ गया मेरा फॉर्म। ठीक है ठीक है यहाँ पे जो फॉर्म है हमारा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं टेस्ट करने की बारी है। ठीक है मैं यहाँ पे अगर 1 1 लिखता हूँ और इस में 2 2 3 3 लिखता हूँ तो जब जैसे हम सम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 4 4 आना चाहिए। ठीक है तो क्या 4 4 आ गया। तो यार यही था बेसिकली आज का वीडियो और इसी में इसी तरीके से आप लोग बड़े आसानी से किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हो। ठीक है तो यार होपफुली आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया तो डोंट वरी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ आपको सारी एकेडमिक क्वेश्चन होगा कैसे एग्ज़ाम में लिख के आना है किस टाइप से लिखना है तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।